हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बच्चों के साथ, अभी तो ठीक से सनराइज भी नहीं हुआ। अभी क्या है, बादल है ना दो तीन दिन से, इसलिए सनराइज होता है बट जो सन है ना वो प्रॉपर नहीं दिखता है। और आज तो मैं वापस कल जैसे 6:30-6 बजे में उठ गया, मस्त फ्रेश फ्रेश हुआ, ब्रश किया और आप लोगों का नए व्लॉग में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। सो वेलकम बैक टू अनकट लाइफ। और प्रतीक आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। काका देखो, सुबह सुबह इनकी मस्ती चालू हो गई है। देखो देखो, और सभी प्रभु जी इधर मस्त लाइन में बैठे हैं। सीताराम सीताराम सीताराम, कौन आम भैया क्यों हो काय खबर नहीं पड़ती तुम्हें हूँ क्यों सो है दादा। सुबह सुबह क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुकेश भाई के पास जाएंगे। मुकेश भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ब्रश कर लिया भाई? ब्रश करवा जा रही, आ जाओ। मारा थी वेला उठी ना, मार थी मोड़ा ब्रश कर सो है। सिर पर पंजो तमारो, वाह वाह सदगुरु मारा। और चलो अभी के दिन की शुरुआत करते हैं, मजा आएगा। बाला दादा को मिलते हैं। बाला दादा जा रहे हैं सब क्या बोलते हैं चकला को चण डालने के लिए। यहाँ पर डाल रहे सभी को, देखो हर रोज हम यहाँ पे सब चकला के लिए डालते हैं चण। अभी सब काबरे आएगी उधर उड़ के, देखो ये सब। वाह भाई वाह। बाला दादा गुड मॉर्निंग कह दियो। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुबह सुबह वेला उठी गया तमे? काई मिनट नो टाइम से वेला तो तमे उठी गया। सो वेला केम आज वाले केम आज रोज न उठतो? नहीं नहीं नहीं, आज तमे हाडा सो पोणा हाते हात वागे बाहर निकली जाए એટલે બોગો આજ દિવસ સારો કહેવાય। સોમવાર ભાદરવાનો સોમવાર છે। વાહ ભાઈ વાહ। અને તમે આ 7 વાગે મોબાઈલ હાથમાં લઈ લીધો એટલે બહુ સારું કહેવાય। વાહ ભાઈ વાહ। બાકી તો 8:30 સિવાય તો બહાર નીકળતા નથી। બસ બસ, રોજ 8:30 બહાર વઈ આવું છું। હાલો લો ને બાપા, એક એક વાર એક વાર એ કેવું આ પગ એક વાર બોલ્યો તો હું મને કે હું ઉડી ગઈ મારી दोस्तों। यहाँ पर कल वाला व्लॉग जो है उसको एडिट हो चुका है, अभी उसको रखा है अपलोड होने के लिए। और हमारे मामा गए गर्मा गर्म चाय बनाने लगे, क्योंकि टाइम है अभी चाय नाश्ते का। सभी प्रभु जी ने तो कर लिया, हमारा बाकी है। तो अभी देखते हैं, मस्त चाय आया उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे दोस्तों। और ताजा ताजा खाखरा आ गया है और मामा हमारे भर रहे हैं चाय। मामा चाय पिला दो। चाय हो चुके 11 और अपने हो चुके नहा धो के फ्रेश। और अभी आया हूँ इको में। ये हमारे एक महेश भाई करके कच्छ के सब्सक्राइबर है, बहुत पहले एक बार व्लॉग में आए थे, आपने आपने शायद देखा होगा। तो ये क्या है, हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे हमारी इको के लिए। ये 100 पीस भी है और एयर फ्रेग्रेंस भी इससे आता है बहुत ही बढ़िया वाला। तो अभी इसको लगाएंगे। दिखने में तो भाई ये देखो, ये क्या है, सोलर वाला है। देखो ऊपर है ना सोलर प्लेट है, तो उसकी वजह से आगे का जो पंख है ना वो फरता है। आप देखो कितना मस्त लग रहा है। तो अभी चलो इसको पहले इंस्टॉल कर देते हैं इधर। ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं लगाने का कि कैसा लगेगा, बट ये ना थोड़ा दिक्कत देगा, इसको निकाल लेंगे यहाँ से। दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो ये मस्त सा छोटू सा जेट प्लेन कितना मस्त लग रहा है। ये सोलर की वजह से ना ये इसमें आपको कैमरे में थोड़ा इसका जो पंखा है वो कम फरता दिख रहा है, ठीक है, बट इसका जो रोटेशन एक्चुअल में ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। और मजा भी आ रहा है इसको देख के। थैंक यू सो मच महेश भाई, आई लव यू। और अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो नीचे एक बार जरूर लिख देना भाई, एक बार महेश भाई जब भी आता तू छोटा सा कुछ इतना अच्छा अच्छा गिफ्ट लेके आते है ना, इसमें से ये गिफ्ट एक था। अभी थोड़ा हिम्मत भाई के साथ थोड़ा है ना डिस्कशन करना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। और अभी इसको रह रहे थे ऐसे ही। और यहाँ पे दोपहर होते ही सभी प्रभु जी देख सकते हो आप लाइन में बैठ चुके खाना खाने के लिए। खाने में अभी हम देखेंगे कि क्या आज बाला दादा ने रसोई में बनाया, क्योंकि अभी तो क्या इकबाल काका नहीं है तो खाना हमारे बाला दादा ही बनाते हैं। तो रसोई में मामा क्या बनाए रसोई में? रोटी बनाया, सब्जी बनाया, भिंडी की है। क्या बात है, रोटी और भिंडी की सब्जी, पापड़, क्या बात कर रहे हो। तो अभी तो गर्मा गर्म रोटी और सब्जी और भिंडी की सब्जी बनाई, मेरी फेवरेट। और वो भी भिंडी हमारे क्या बोलते हैं वाड़ी में पकी हुई है। बाला दादा कैसा लग रहा है आपको खाना बना के? खाना बना के तो मेरे तो क्या लगेगा,
क्या लगेगा? वो खाने वाले को लगेगा कि कच्चा है पूरा है। ये मैंने नया पैतरा किया, देखो माइक लगाने का। ओह ये माइक लगाने का नया पैतरा है। ओ हूँ बीजू, बोलो बोलो बोलो। आज वो प्रभु जी जमे से, ભીંડા નું શાક કર્યું છે, રોટલી છે, સાસ છે, અને સાસે પાછી ઘરની વલોણાની છે, વચ્ચે સાસ ફેરી અને ખવડાવી છે, સરસ। અમારે બાલા દાદા સુબત છે, બધે વલોણે મેં છાસ વલોને કે લીએ રખ દેતે, ક્યાંક એવો ઘર કી છાસ હોતી ઓર માખણ ઓર ઉસી માખણ સે રોટલી ચોપડ કે અમારે પ્રભુ જી કો ખિલાયા જાતા હે। સભી આપ દેખ સકતે હો, પ્રભુ જી મસ્ત ખાના ખા રહે। ભીમા ભીકા ડાબી નામ હું છે, નામ 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 શું છે? નામ એ અમારે ભીમા દાદા હે। અભી અમારે મહુવા ભાઈ કે પાસ જાયેંગે। મહુવા ભાઈ કેસા હે ખાના? ખાના ઠીક હે, ઠીક હે ના? ઓર ટોપી દીધી કલ ગિફ્ટ મે, વો કહાં ગઈ? ઓર ટોપી તો અભી મે વહી બોલ રહા હું, ઇતને લોગો મે કહા ટોપી ગુમ હો ગઈ, બાથરૂમ મે એ હોય તો દૂસરી ભી આ જાયેગી। क्या दूसरी यार, मैं कल इतना प्यार से टोपी लेके आया, भाई ने घुमा दी। ये घुमा नहीं दी, ये जो मेरे हाथ में चीज आती है, लोगों में किसी किसी को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी चीज आ गई, अपने हाथ की दोबारा मिलेगी ही नहीं, ये सोच के सीधा हंस गया। यार वो टोपी इतनी प्यार से लाया था, उन्होंने रात को पहन के पता नहीं रख दी होगी रूम में शायद, साइड में सोने के टाइम, सुबह उठते ही टोपी गायब, आके बोलते यार टोपी चली गई तुम्हारी दी हुई। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोलते हैं कि मेरे पास जो चीज होती है ना वो बहुत महंगी होती है, इसलिए लोग की नजर ज्यादा रहती है। मैंने बोला रूम में ही होगी भाई, कहीं नहीं होगी, मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, पहले प्रभु जी सब खाना वाना खा लेते, बाद में भूख तो यार मेरे को भी कब से लगी है, मैं भी खा लूंगा। और ये माइक का वाला सीन देखो आप कैसा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अभी मेरे को ये भी नहीं पता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मुकेश भाई ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? धोबी हो? धोबी तो कब इसका शक बढ़ना कि खाना पड़े। ये क्या सब कपड़े धोने आए थे? इसको ये गीला, इसको निकालो यहाँ से। क्या यार तुम भी खाना खाया? क्या खाया? रोटी और सब्जी। किसकी सब्जी खाई? बकरे का। छी, बकरे का सब्जी खाता है तू, गंदा साला। किसका खाया सच बोल? हैं, किसकी सब्जी खाई? भिंडी का। हाँ तो भिंडी का बोलो, बकरे का। चल ये मुकेश भाई दोपहर का खाना खा के इधर आया, धोबी बनने, वो खुद का यार कपड़ा धो रहे थे, कपड़ा देखो उसका ब्लैंकेट पूरा धो दिया भाई ने, एक नंबर। चलो इसको अब सुखा दो, चलो। वैसे यार मुकेश भाई और सब ज्यादातर मोस्टली प्रभु जी अपना काम 80-90% खुद कर लेते हैं, ज्यादातर दिक्कत आती नहीं, कोई कोई होता है जिनको करवाना पड़ता है। और देखो आपने देखा ऐसे मस्त, मुकेश भाई ने अपना ब्लैंकेट खुद से खोल धो दिया है। हिम्मत भाई ये बारिश को लेके आ गए तुम? ये दोस्तों कल भी ऐसी बारिश थी और आज भी मैं अंदर एडिटिंग का काम कर रहा था, बाहर आते देखा भाई बारिश, देखो बारिश। अब ये कहाँ से लेके आते हो रोज रोज? ऊपर से आ जाती है, ऊपर से आ जाती है, वो तो ठीक है। ये नए नए शर्ट कहाँ से लेके आते हो? दुकान पे। तो कभी हमारे टोपी मिली गई? क्या थी मिली? अहिया हो, अहिया हो, अहिया हो। मालिक का नाम ले रहा था। अच्छा, ये सूखने के पीछे मेरे कपड़े वपड़े, मैंने बोला जरा सूख गए तो उसको घड़ी बड़ी कर लू, तो टी शर्ट के पीछे से निकली। कौन से मालिक का नाम ले रहे थे, ऊपर वाले या मेरा? हाँ बाकी तो सर आप लोगों का नाम दिन रात लेता ही हूँ, भगवान से ज्यादा तो तुम लोगों का नाम। नहीं मैं, हम थोड़ी कोई भगवान से ज्यादा है। अब मोवा ब्रो आपने चाय पी? चाय नहीं पी यार, पी लीजिए। क्यों? ठंडी का माहौल है, बारिश का माहौल, और चाय नहीं लगेगी ऐसी बात तो हो नहीं सकती। तुमने पी मोवा? तुमने पी? दोस्तों अभी बज चुके चार और एकदम टाटोड़ा वाला वातावरण हो गया बारिश के बाद का। और ये सब सामान वामान है जो क्या बोलते हैं अपने इधर रखना है। पोपड़ भाई गए थे महुआ, तो ये पंखे लेके आए थोड़े बहुत, इस साइड का जो है ना शेड वहाँ पर अभी थोड़ा चेंजेस अपग्रेडेशन करने की सोच रहे हैं। और मैं इसलिए ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ क्योंकि मैं और बाला था जा रहे हैं हमारी बुआ के घर से। और बाहर का जो माहौल है ना भाई, एक नंबर हो रखा है। आप देखो तो सही यार, बादल क्या लग रहे हैं यार।
और ये हमारा आश्रम अभी से ही देखो इतना बड़ा लग रहा है। अभी क्या होता है, हाँ, रास्ते से आते ना हाईवे से तो ये मतलब अभी तो पूरा हुआ भी नहीं है कंस्ट्रक्शन, फिर भी बहुत बड़ा दिख रहा है। तो मानो जब होगा तो ये 2-3 किलोमीटर दूर से दिखेगा कि ये रहा हमारा सोशल मीडिया आश्रम। हारो आवी आवी है हमने ऊपर रहो आवी है। दोस्तों अभी आए हमारे बुआ के घर। ये क्या है बाला था? खड़ है खड़। ये बड़दिया को खिलाने के लिए खड़ है, इसको यहाँ बड़द बोलते हैं। हमारे गांव में बड़द गाड़ा होता है ना, बड़द गाड़ा। हारो माड़ी बाल तो आजीवन करवाना से। आओ मामा, आओ आओ मामा, आओ भाणो, आओ आरियो भाणो बेदी तो हमारे न्याय जाता है। हाँ अरे जाता है। दोस्तों ये लिया है बुआ के घर से, ये क्या बोलते हैं, स्पैरो हाउस है, क्योंकि वहां पर है ना बहुत सारी स्पैरोज। और वो अपने कल वाले व्लॉग में, आज सुबह वाले क्लिप में भी देखा होगा, वो काबर को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलता है, बट स्पैरो भी बहुत सारी है, उनके लिए काम की चीज है। वहां पर है ना उन्होंने घोंसला बनाया, बट कहीं कहीं बनाया तो ये मेरे को दिखा, इधर ऐसे ही लटका था झाड़ पे और एक भी स्पैरो आई नहीं थी चकली इसमें, तो सोचा इसको ले चलता हूँ। ये ले पकड़ भाई, आवे आवे मैं तो चल ले या तेरी और थोड़ा। और अभी अभी हमने दोस्तों डाल दिया इंस्टाग्राम पे बहुत ताजा तड़कती भड़कती पोस्ट, नीचे मेंशन किया है साइड में, देखो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, जाओ और एक बार मेरे को फॉलो कर दो। अगर आप इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टा पे मेरे को फॉलो नहीं करते तो उधर भी कर दो, वहां पर डेली अपडेट मिलेगी। क्या जो मुकेश भाई क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारे पास घर नहीं तो उस घर में रह लोगे इतने से में? आज आ गए इतना तो तुम्हारा क्या बोलते सर है पूरा है, इसमें तुम्हारा सर भी नहीं आएगा पूरा, कैसे रह लोगे उनमें बताओ जरा? मस्त घर से न्यान हत लगा हुआ अपने बापा आया वरसाद में पलल से आखो आया लगा दियो लाए हाथ लोखंड थी थोड़ो कम थे। देखो ये है बॉडी, ये देखो पूरा सड़िया वाल दिया, ये देखो दोस्तों कितलो भाड़ू ले सो केनु घर नु। हवे मौवा ब्रो आया दे इधर दे, वाह वाह बापा आटी ऊंधी मार दीधी छो तमे बस। हमारे सभी चकलियों के लिए नया पूरा घर बनने जा रहा है, होपफुली थोड़े दिन में इधर भी चकलियों की कलबलाहट हमें सुनाई दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के ऑलमोस्ट 8:20, 20 मिनट की देरी है और थोड़ा अंदर काम था, इतनी देर में तो सब प्रभु जी ने खाना भी खा लिया। बट एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, आज हमारे आश्रम पे हर्षद भाई बल्दानी और उनका पूरा मित्र मंडल और फैमिली की तरफ से प्रभु जी के लिए रात का जो भोजन था उसका प्रबंध किया था, सबने खाना खा लिया, उसके लिए सॉरी वरना वो फुटेज आपको दिखा था, बट मैं क्या बोला अंदर थोड़ा काम में था ना उसके चक्कर में बाहर आया तो पता चला यहाँ तो सब फिनिश होना है। मेनू में आज का था छाछ रोटी सब्जी, कौन सा सब्जी थे, काजू पनीर ऐसा कुछ है ना, काजू पनीर और सलाद, एक नंबर टेस्टी भोजन था सभी के लिए, मजा आ गया सबको। आकाश भाई ने क्या सीन किया अभी बताओ, इधर इधर आओ, ये लोग गए थे अभी केस लेने, बताओ क्या किया अभी, क्या करके आए बताओ। अभी हम केस लेने गए थे तो उसने बोला मेरे को ओ भगवान मन्नत है, मन्नत है तो। वो बेचारा बंदा वो ठेला वेला डाल के जा रहा होगा, कुछ उसका मन्नत था एक जगह से दूसरी जगह का, ये लोग लेने गए उसको केस की तरह उठाने के लिए, बोलता है भाई मेरा मन्नत है मेरे को छोड़ दो भाई, ये सीन है यहाँ भाई, हंसने का भी आ रहा है तो जात्रा पूरी मानता से भाई एपिक एपिक। चलो बाला था हम जा रहे है दुआ में याद रखना। यस कल वापिस यस ये एकलो जाओ ओके जय श्री कृष्ण। चलो मोवा ब्रो कल मिलते हैं ना भाई, तेरे को भी आना है, टोपी का ख्याल रखना।
હેરો કરું ભાઈ કાલ મળે થેન્ક યુ ઠંડુ બી નામ ના दोस्तों अभी कुछ क्या बोलते हैं आनंद जाने का इमरजेंसी में प्लान हो गया है। अब क्यों जा रहा हूँ क्यों नहीं वो तो आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में पता चलेगा। और हमारे शैलेश भाई बाय बाय शैलेश भाई ध्यान रखना अपना मुझे मिस मत करना तुमको बिल्कुल मिस नहीं करूँगा चलो बाय 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 तो क्या हुआ हाँ धीमी चलाऊंगा हाँ भाई धीमी हकारिस सभी मेरे को ये सलाह देते हैं पता नहीं क्यों कि तू धीमी चलाना और क्या अकेला ज़्यादा ड्राइव करता हूँ ना इसलिए ज़्यादातर लोग मेरे को यही देते हैं सलाह। तो बस इसी के साथ ये वाले व्लॉग को अब एंड करता हूँ मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन नए विचारों के साथ। अभी जा रहा हूँ सीधा आनंद क्यों जा रहा हूँ वो कल वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। आज के व्लॉग की समाप्ति करते हैं तो मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन नए विचारों के साथ। अरे भाई बंद हो जा हाँ तो मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन नए विचारों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना अपने आसपास स्वच्छता बने रखिए। जय हिंद जय भारत टेक केयर बाय।